Hello guys, welcome to our channel Easy Tutorial Points. So today this video will review on AEC. This means Asansol Engineering College, which is one of the best private self-financing engineering college, which is located at Asansol, Bardhaman, West Bengal, started in the year 1998. So West Bengal East Zone mein one of the best private engineering college mana jata hai aur bahut sara demand aa raha tha is college ke upar. So agar aap log is college mein admission lene ke liye soch rahe the, then ek minute ruk jao, is video ko last tak dekho, then decide karna ki aapko is college mein admission lena chahiye कि नहीं, ओके? और अगर ऐसे ही कोई अदर्स कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक आएगा उसी कॉलेज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और अगर आप लोग एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, गाइड लेना चाहते हो मुझसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ये वाला जो आप लोग देख रहे हो नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैं जरूर आप लोग गाइड करूंगा एडमिशन के रिलेटेड, ओके? सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो एईसी, दिस मींस आसानसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल ईस्ट जोन, एंड दिस कॉलेज ऑफर्स यू बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एंड द कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एफिलिएटेड बाय मकाउट, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, एंड नैक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, एंड आप लोगों को एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन देखने को मिलेगा सीएससी, ईसी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। सो ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। तो कॉलेज में आपको टोटल 72 क्लासरूम देखने को मिलेगा, 9 ई क्लासरूम देखने को मिलेगा, 65,160 लाइब्रेरी एंड बुक्स देखने को मिलेगा, 62 लैब देखने को मिलेगा, वर्कशॉप भी इस कॉलेज में, टोटल आप लोगों का 1,050 कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा, आउटडोर एंड इंडोर दोनों स्पोर्ट्स स्पेशली देखने को मिलेगा, एंड बॉयज हॉस्टल में टोटल 575 सीट्स देखने को मिलेगा, एंड गर्ल्स हॉस्टल में टोटल 380 सीट देखने को मिलेगा। बॉयज के लिए 4 कॉमन रूम एंड गर्ल्स के लिए 2 कॉमन रूम देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मैं पूरा शॉक हो गया क्योंकि 1050 आप लोगों का कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा, और एज वेल एज बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल का इंटेक कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कॉमन रूम्स आप लोग देख सकते हो, टोटल 6 कॉमन रूम्स आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम कॉलेजेस में ये देखा जाता है, क्योंकि देखो कॉलेज में कोर्स बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए स्टूडेंट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ओके? ये तो फैक्ट है, ये आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, ओके? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, एकदम आप लोगों को मॉडर्न जैसा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लोग कभी भी विजिट करना चाहते हो तो एक बार चेकआउट कर लेना, और अगर आप लोग ऑलरेडी विजिट करके आ चुके हो तो प्लीज कमेंट से कमेंट करना कि कैसा लगा आपको कॉलेज। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भी नैक एफिलिएशन क्यों नहीं है, सो ये नैक एफिलिएशन आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, जिसका मीनिंग है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो डिपेंड करता है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब फैसिलिटी, क्लासेस रूम, इतने सारे चीज के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को नैक एफिलिएशन मिलता है, जो कि मैंडेटरी किया जाएगा सभी कॉलेजेस के लिए नैक एंड एनबीए बहुत ही जल्द। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 1998 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, तो 25 इयर्स अब तक हो गया है। सो टोटल 25 इयर्स में प्लेसमेंट कैसा गया है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्लियरली। सो नाउ कमिंग टू एकेडमिक डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज, सो बीटेक में टोटल 9 ब्रांच देखने को मिलेगा, सीएससी में 118 टेक कैपेसिटी है, ईसी में 120, आईटी में 120, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 60, एंड सीएससी, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 60, और सिविल इंजीनियरिंग में आपको टोटल 30 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। एंड इंटेक में आपको ओनली 2 ब्रांच देखने को मिलेगा, ईसीई एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें 13 करके इंटेक कैपेसिटी है। एमसीए में आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें 60 इंटेक कैपेसिटी है, एंड बीसीए में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 120 इंटेक कैपेसिटी है, एंड बीएससी इन डेटा साइंस 60 इंटेक कैपेसिटी है, और बीबीए में आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, जिसमें बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड बीबीए इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आपको 120, 60 एंड 60 करके इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। एंड सो ओवरऑल ये कॉलेज बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, ये 5 कोर्स प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ओके? और सभी स्टूडेंट को प्लेसमेंट तो देना ही पड़ेगा। सो कोर्स वाइज आप लोग एक चीज फॉलो करो, इसमें सीएससी आईटी यानी आईटी इंडस्ट्री को ज्यादा प्रेफर दिया गया है, क्योंकि देखो बीसीए में भी आप लोगों को आईटी यानी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आता है, एमसीए में भी आता है, आप लोगों का बीटेक में भी आता है, जिसमें ऑलरेडी सीएससी आईटी एंड स्पेशलाइजेशन है, तो क्या होगा कि कॉलेज में आईटी इंडस्ट्री का आना ये तो मैंडेटरी रहेगा, अगर नहीं आता तो प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि आईटी यानी सीएससी स्टूडेंट ही ज्यादा है इस कॉलेज में, ओके? सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बोल पाऊंगा कि कॉलेज में सीएससी का प्लेसमेंट अच्छा होता है।
ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग BCA भी प्रोवाइड करता है, BSc इन डेटा साइंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप लोगों का CSE बंदा आएगा, ठीक है, और BTech आप लोगों का CSE IT स्पेशलिस्ट तो है ही, ओके, सो इसीलिए कॉलेज के ऊपर एक तो प्रेशर तो रहेगा कि इस कॉलेज में IT कंपनीज तो लाना ही पड़ेगा, विदाउट IT कंपनीज तो प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि IT स्टूडेंट ही बहुत ज्यादा है इस कॉलेज में। सो दैट्स अगर आप लोग चाहते हो कि CSE IT में एडमिशन लेना है तो आप लोग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर इस कॉलेज के फैकल्टी की बात करो तो फैकल्टी वेल क्वालिफाइड आप लोग को मिल जाएगा, PhD, MTech, MSc, MBA, MA यही सब आप लोग को फैकल्टी देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, ठीक है। तो वो फैकल्टी मैं मुझे अच्छा ही लगा, और जहां तक मुझे पता है फैकल्टी बहुत ही आप लोगों को वेल क्वालिफाइड एज वेल एज आप लोगों को सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं एक चीज आप लोगों को बोल दूं, ये जो कॉलेज है ये दो ग्रुप के अंदर आता है, एक है टेक्नो ग्रुप के अंदर आता है और एक JIS ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है, यानी दोनों ही ग्रुप के अंदर ये कॉलेज आता है, दोनों ही ग्रुप ये कॉलेज चलाता है, ठीक है। आप लोग देखोगे JIS ग्रुप अलग है और टेक्नो ग्रुप अलग है, तो दोनों ही ग्रुप इस कॉलेज के अंदर है और दोनों ही ग्रुप का सपोर्ट इस कॉलेज में आप लोगों को मिल जाएगा, तो दैट्स व्हाई प्लेसमेंट तो अच्छा ही होगा, ये दोनों ग्रुप का सपोर्ट है इसलिए। सो अभी बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो 4 इयर्स अगर बीटेक करते हो तो आप लोगों को WBJEE या JEE मेंस में बैठना पड़ेगा, एक वैलिड रैंक कार्ड होना चाहिए तभी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, विथ 12 PCM सर्विस आप लोगों को रखना होगा। एज वेल एज अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 2,40,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, SVMCM स्कॉलरशिप। और अगर आप बीटेक लैटरल यानी डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेने वाले हो तो उस केस में आप लोगों को 1,80,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड उसमें आप लोगों को GLET क्वालिफाइड करना होगा एंड GLET का वैलिड रैंक कार्ड होना चाहिए, और अगर नहीं भी होता है तो भी आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं MTech, तो MTech में आप लोग PGET या फिर आप लोग GATE क्वालिफाइड कर सकते हो, उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। सो भी बात करते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो WBJEE JEE मेंस के बाद अगर आप 4 इयर्स बीटेक में एडमिशन लेने वाले हो तो उसके लिए आप लोगों को एडमिशन टाइम आपको 93,553 देना पड़ेगा, और आप लोगों का मकआउट एग्जाम फीस आपको 1,200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी एडमिशन का टाइम आपको टोटल 9,356 प्लस 1,200 आपको पेमेंट करना होगा एडमिशन के टाइम। देन आप लोगों का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट स्टेप में आप लोगों को देना पड़ेगा, इसमें लिखा है आप लोग देख सकते हो 47, 50, 48, 50, 49, 50 एंड 50 आप लोगों को 1,000 देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा आप लोगों को 1,200 भी देना पड़ेगा। सो आप लोगों का टोटल 4 साल का हो गया, 4,48,272 आप लोगों को 4 साल में देना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो अलग से आप लोगों को देना पड़ेगा, हॉस्टल एडमिशन के टाइम आप लोग देना पड़ेगा 23,500 एंड बाकी सेल में आप लोगों को 16,500% आप लोगों को देना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपका कॉलेज एंड हॉस्टल मिला के आप लोगों का अप्रोक्स 6 लाख पड़ जाएगा, यानी 6 लाख लगेगा। और अगर बीटेक लैटरल में अगर आप लोग एडमिशन लेते हो तो बीटेक लैटरल एडमिशन के टाइम टोटल आप लोगों का पड़ेगा 87,659 और अलग से आप लोगों को 1,200 मैकआउट एग्जाम फी देना पड़ेगा। एज वेल एज आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ से में आपको 45, 47, 46, 47, 47 के आप लोगों को देना पड़ेगा। ओके, टोटल आपका फीस हो गया 3,27,759, अराउंड आप लोगों का 5 लाख खर्चा हो जाएगा टोटल, ओके, बीटेक लैटरल में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, AEC एक स्कॉलरशिप आप लोगों को देता है जिसमें बोला जाता है स्कॉलरशिप फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट फॉर द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये तीनों ही कोर ब्रांच है। सो ये तीनों कोर ब्रांच में आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए WBJEE एंड JEE मेंस का अगर आप लोगों का कोई भी रैंक होता है JEE मेंस में 20% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा ट्यूशन फी में, और WBJEE रैंक अप टू 30,000 अगर आप लोगों का होता है 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ट्यूशन फी में, और WBJEE का रैंक अगर आपका 3,001 से 40,000 तक होता है तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 40,000 का ऊपर है तो 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एज वेल एज सेकेंड ईयर लैटरल में भी आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों का 5,000 और DGPA 9 होता है डिप्लोमा में तो आप लोगों का 15% ट्यूशन फी मिल जाएगा, यानी डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 5,000 से ज्यादा होता है या 8 DGPA होता है तो आप लोगों का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपका ट्यूशन फी में। अभी आते हैं, अगर आप 4 साल TFW कोटा में एडमिशन लेते हो तो आपका टोटल पड़ जाएगा आप लोग देख सकते हो 1,16,272 में आप लोगों का पूरा 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज आपका हॉस्टल फी सेम ही रहेगा, ठीक है, अगर आप TFW कोटा में एडमिशन लेते हो तो। और बाकी कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। तो ये रहा आप लोगों का MCA का 2 इयर्स का फीस स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग देख सकते हो टोटल आप लोगों का 2,39,024 रुपीज पड़ेगा। 3 इयर्स का BCA आपका टोटल पड़ जाएगा 2,80,300 पड़ेगा, ठीक है, जिसका हॉस्टल फीस एकदम सेमी है,
और 3 ईयर्स बीबीए का आपका टोटल फीस पड़ेगा 2,77,277। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग पूरा देख लेना कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है। सो अभी बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि अगर कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, और अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो कॉलेज ये बोल रहा है कॉलेज में आप लोगों का इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एज वेल एज इंडस्ट्रियल विजिट भी होता है, तो आप लोग इस कॉलेज का ऑफिशियल पेजेस में यानी एफबी पेजेस में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि इस कॉलेज में इंडस्ट्रियल विजिट एक्चुअल में होता है कि नहीं। तो मैं आप लोग बोल दूं इंडस्ट्रियल विजिट होता है, ओके, लास्ट ईयर में या थर्ड ईयर में आप लोगों का ये चीज बहुत ही ज्यादा होता है, ओके, एज वेल एज आप लोगों को इंटर्नशिप यानी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगा इस कॉलेजेस में, ओके। ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड के ऊपर बात करूं तो एज पर WBJEE रिकॉर्ड आप लोग देख सकते 2019-2020-21 जिसमें 71.94% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गया था, जिसका मैक्सिमम सीसी गया है 11.25, 11.57, 19.32 LPA मैक्सिमम सीसी गया था। एवरेज सीसी आपका जाता है 4.1, 4.57, 4.77, यानी ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। आप लोग देख सकते हो लास्ट 2021 में एवरेज सीसी था 4.77 LPA, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोगों को 3 to 3.5 lakh एवरेज प्लेसमेंट देखा जा रहा है, बट आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एवरेज सीटेंसी 4.77 lakh देखा जा रहा है। ये एज वेल एज हम लोग देख लेते हैं इसका एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं तो कुछ हाईलाइट किया गया है, नाम और उसका पैकेज का दिया गया है और किस कंपनी से प्लेस हुआ है वो भी दिया गया है। एज वेल एज अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड के ऊपर बात करूँ तो आप लोग देख सकते 2022 पास आउट बैचेस में जिसमें टोटल जॉब ऑफर हुआ था 550 प्लस, रिक्रूटर्स आया था 300 प्लस और 19 LPA हाईएस्ट पैकेज गया था जिसमें 80K पर मंथ हाईएस्ट पैकेज था एंड 4.8 LPA एवरेज रिसीव था। ये 2022 का रिकॉर्ड, ठीक है, टोटल आप लोगों को जॉब मिल गया था 550 प्लस स्टूडेंट को। 2021 पास आउट बैचेस में आप लोगों को टोटल 480 स्टूडेंट को जॉब मिल गया था जिसमें टोटल रिक्रूटर्स आया था 250 प्लस, हाईएस्ट जिस था 11.5 lakh, एवरेज गया था 4.2 lakh, ठीक है। एंड 2020 पास आउट बैचेस में टोटल जॉब मिल गया था 450 प्लस स्टूडेंट को एंड रिक्रूटर्स आया था 200 प्लस, हाईएस्ट जिससे गया था 11.5 lakh एंड एवरेज जिस था 3.9 lakh। तो ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ ग्रोइंग कॉलेजेस से ग्रो कर रहा है टाइम टू टाइम, तो आप लोग अगर अभी एडमिशन लोगे तो आप लोग 4 साल बाद पास आउट होंगे इस कॉलेज से। तो इस 4 सालों में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, आप स्किल गेन करते हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कॉलेज से एंड अच्छे खासे कंपनी में आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग कॉलेज से टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। और अगर कंपनी के ऊपर बात करो तो आप लोग देख सकते हो इतने सारे कंपनीज विजिट करता है, बायजूस, अमेजॉन एंड नीचे आप लोग कग्निजन, TCS, ओके, ITC, इन्फोटेक, इंफोसिस, IBM, HP, INC, तो इतने सारे कंपनीज विजिट करता है, तो आप लोगों को तो प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेगा, ओके। और भी आप लोग देख सकते हो TCS, विप्रो, WNS, तो टोटल 100% लिस्ट ऑफ रेगुलर रिक्रूटर्स है इस कॉलेजेस में। तो ये जो 100 रिक्रूटर्स है आप लोग देखो ये रेगुलर है, तो इतने सारे कंपनीज विजिट करते हैं कॉलेजेस में, तो ओवरऑल देखो इतने सारे तो एक्चुअल में विजिट नहीं करता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ओके। ये आप लोगों का कुछ कॉलेज का हाइलाइट्स होता है, तो देखो एक्चुअल में आप लोगों को बोलता तो 50+ तो आ ही जाता है, ये मैं आप लोगों को बोलूँगा 50+ तो कंपनीज आएगा ही आएगा इस एक कॉलेजेस में, ठीक है। तो उनमें से 2 या 3 या 4 बच्चों को लेता है, तो कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया है और इस कॉलेज में आपको कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि CS और IT का स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है, ओके, और IT कंपनी ज़्यादा आता है, तो दैट्स वाई कंपटीशन लेवल तो बहुत ही ज़्यादा होगा ही होगा। सो ओवरऑल मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वेस्ट बंगाल ईस्ट जोन में बहुत ही अच्छा पॉपुलर कॉलेज है, और अगर आप वही एरिया से बिलोंग करते हो तो आप लोग बेझिझक आग बंद करके जा सकते हो इस कॉलेजेस में, ओके। कॉलेज ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, कॉलेज का फीस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है बट ओवरऑल क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, ओके, दैट्स वाई फीस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, जस्ट आप लोग अगर जाते हो काउंसलिंग के थ्रू जाना तो काउंसलिंग के थ्रू भी जा सकते हो, एज वेल एज आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा में, उसमें आप लोगों को थोड़ा डोनेशन चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कॉलेज का कैंपस बहुत ही अच्छा है, कॉलेज का फैकल्टी बहुत ही अच्छा है, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बट प्लेसमेंट को उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है जैसे कि अदर्स कॉलेज करते हैं, ओके, एक बेसिक सा चीज़ दिया गया है तो उससे आप लोग पता चलेगा प्लेसमेंट
लिटिल बिट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। और ऐसे ही अगर रिव्यू कोई अदर्स कॉलेज के ऊपर चाहते हो तो नीचे कमेंट से कमेंट करना, और जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएगा उसी कॉलेज को मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।